तो दोस्तों Realme जुलाई मंथ का एंड में बहुत धमाल कर दिया है। Realme 2 पर, Realme C2 पर और Realme C3 से लेकर Realme का 5 सीरीज में अपडेट आ चुके थे। उसके बाद Pro सीरीज में अभी अपडेट आना स्टार्ट हो गया है। Realme 3 Pro में अपडेट आ गया जुलाई मंथ का। अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है RMX1851_11_C.07 वाला अपडेट। जी हाँ दोस्तों, C.07 वाला अपडेट आपको जुलाई मंथ में मिलेगा। तो अपडेट का जो साइज है वो है 494 MB का। तो दोस्तों, आप में से किसको अभी तक OTA में अपडेट मिल गया है वो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, हम चले जाते हैं अपडेट का सेक्शन पर और देखते हैं क्या नया चीज मिलता है और कौन सा बग फिक्स किया है Realme 3 Pro में। तो दोस्तों देखिए, अपडेट का सेक्शन पर आपको जुलाई मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है, मतलब आपका फोन अभी बिल्कुल अप टू डेट और सिक्योर है। उसका साथ आपको Realme लैब में स्मूथ स्क्रॉलिंग का फीचर्स मिल जाता है। X2 में एक दिन पहले ये वाला फीचर्स अप टू डेट हुआ था। ये जो फीचर्स है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपका स्क्रीन 90 हर्ट्ज में स्मूथ स्क्रॉलिंग कर सकते हैं आप। ये वाला फोन में हार्डवेयर वाला फीचर्स सपोर्ट नहीं करता, इसलिए Realme वालों ने सॉफ्टवेयर फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है हर एक फोन में, ठीक है। उसका साथ सेटिंग्स में आपको मल्टी यूजर का इंटरफेस मिल जाता है, मतलब आपका गेस्ट मोड भी मिल जाएगा Realme 3 Pro में। ये बहुत अच्छा एडेड फीचर्स था और ये फीचर्स बहुत अच्छा है सिक्योरिटी फीचर्स से, ठीक है। उसका साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्ड में थोड़ा दिक्कत था वो भी ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। और दोस्तों, सिस्टम का सेक्शन पर ऑप्टिमाइजेशन किया है Realme वालों ने। स्वाइप बैक जो ग्रेस्चर स्टाइल है उसमें ट्रांसपेरेंसी मोड में थोड़ा बग था, वो भी ऑप्टिमाइजेशन किया है। उसका साथ आपका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था फ्लाइट मोड में, ठीक है। फ्लाइट मोड जब ऑन रहता था उसका साथ आपको ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था एक साथ, अभी फ्लाइट मोड में भी ब्लूटूथ काम करेगा। और दोस्तों, सबसे लास्ट में सिस्टम स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया है Realme वालों ने Realme 3 Pro डिवाइस। तो दोस्तों, आप में से किसको ये अपडेट रिसीव हुआ है कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, और ये अपडेट का बाद आपका कोई दिक्कत आ रहा कि नहीं आ रहा है उसका बारे में भी डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए।